दोस्तों ये है 2021 यानी कि 2021 मॉडल बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 125 का ये स्प्लिट सीट वेरिएंट है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप बजाज पल्सर 125 यानी 125 सीसी वाली पल्सर अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे। एक में आपको सिंगल सीट रहेगी, मतलब सिंगल का मतलब ये नहीं कि अकेली सीट, मतलब स्प्लिट नहीं रहेगी, बीच से कटी नहीं होगी। और इस समय जो मॉडल देख रहे हैं ये इसका दूसरा वेरिएंट है, ये स्प्लिट सीट के साथ आती है। दोनों में सिर्फ सीट वगैरह का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग दोनों प्राइस में 3 से 4 हज़ार का फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंजन स्पेक्स के वाइज सारी चीज आपको सिमिलर देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों अगर मैं कलर की बात करूं तो स्प्लिट सीट में अभी तक आपको 3 कलर कंपनी प्रोवाइड करती है 2021 में। जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक रेड कलर है, इसके अलावा ब्लैक सिल्वर मिलेगा और नियॉन ग्रीन कलर आपको देखने को मिल जाएगा। हम दोनों कलर आपको भी और भी दिखा देंगे, यानी तीनों कलर कम्प्लीटली आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, आप कमेंट में बताते चलिएगा इस बाइक के बारे में। यहाँ पे आपको जो डिस्क मिलता है इसकी साइज़ 240 यानी कि 240 mm रखी गई है और यहाँ पे आपको जो है कोई भी ABS वगैरह नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको CBS का सपोर्ट मिल जाता है। अगर पिछला ब्रेक लगाते हैं तो अगला ब्रेक काम भी करता है साथ में, ठीक है। आगे वाला जो आप टायर देख रहे हैं ये लगभग आपको 80x100 यानी 80/100 का मिलता है और ये 17 इंच का ट्यूबलेस टायर इसमें लगा हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में प्रोफाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। साइड इंडिकेटर जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसके डिज़ाइन वाइज नहीं लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी वाइज मुझे बहुत पसंद है। आप पूरा मोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ जो इसकी मेन हेडलैम्प है यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा अपडेट यहाँ पे कंपनी को देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप LED बल्ब दीजिए, बट इसमें HS1 का हैलोजन बल्ब लगा हुआ है। विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक मिलती है बट उसे और भी इम्प्रूव किया जा सकता है कंपनी द्वारा। तो अगर उन तक मेरी बात पहुँच रही है तो थोड़ा सा हेडलैम्प में आप काम कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आप देखिए जो लेफ्ट हैंडल साइड है, पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न लेफ्ट हैंडल साइड पे मिल जाता है। क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है जैसा कि पल्सर सीरीज की सभी बाइकों में मिलता है। मीटर कंसोल आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मिल जाता है। 125 सीसी सेगमेंट में ही आपको डिजिटल एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है और इस सेगमेंट के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके मीटर कंसोल में वो लगभग आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी और भी ज़रूरतें हैं तो हो सकता है कि वो अगले अपडेट में मिले, लेकिन अभी तक आपको नॉर्मल इसी तरह का मीटर कंसोल मिलेगा। बजाज पल्सर की जितनी भी बाइक्स होती हैं सेम वही कॉपी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। राइट हैंडल साइड के पे आपको इंजन किल स्विच और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच मिल जाता है। जितने भी भाई लोग हैं जिन्हें पल्सर बाइक बहुत पसंद है लेकिन उनका बजट अलाउ नहीं करता है तो वो स्टार्टिंग वेरियंट यानी 125 जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको वो ले सकते हैं। अगर कोई 125 पे गौर ना करे तो फिर ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये 150 है या फिर 125 है। अब यहाँ पे पीछे देखिए, पीछे प्रोफाइल में आपको वही सेम जो है LED टेल लैंप मिलता है। साइड इंडिकेटर्स में आपको 10 वॉट के अंबर बल्ब लगे हुए हैं। ये प्रोफाइल मैंने आपको बता दी इसके पीछे वाली। अभी पीछे वाले टायर और ब्रेक की बात करें तो पीछे आपको डिस्क नहीं मिलता और उतनी ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपको 130 यानी 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है और पीछे वाले टायर की मैं बात करूँ तो वो आपको 100x90 यानी कि 100/90 का मिलता है और ये भी 17 इंच यानी कि 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और दोनों की साइज़ एकदम सेम 70 mm है। अब ये पीछे जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये आपको मिलता है ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन। सस्पेंशन क्वालिटी को लेके मैं ज़्यादा संदेह नहीं पैदा करूंगा क्योंकि पल्सर सीरीज़ की जितनी भी बाइक्स हैं उनकी जैसी सस्पेंशन क्वालिटी मिलती है ठीक वैसे ही आपको 125 स्प्लिट वेरिएंट में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको किक और सेल्फ दोनों की सुविधा उपलब्ध है, तो अगर आप चाहें तो किक वगैरह से भी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं।
इंजन की थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं, उससे पहले जान लीजिए कि इसमें आपको 5 गियर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। तो 5वें गियर्स पे आप फील कर पाएंगे, अच्छा खासा हाईवे पे राइडिंग का फील करेंगे आप। चलिए मैं इंजन के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, इसमें आपको 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व ट्विन स्पार्क का BS6 इंजन प्रोवाइड किया जाता है। 124.4 यानी कि 124 cc का इंजन इसमें आपको लगा हुआ है, जो कि मैक्स पावर अगर जो आपको मिलेगी इसमें वो 11.8 PS की मिलेगी 8500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो लगभग आपको 10.8 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क आप देख पा रहे होंगे कि 125 cc सेगमेंट में इसमें बेस्ट पावर और टॉर्क आपको मिल जाता है, उसको लेके कोई शिकायत नहीं है। और अभी आपने इसका सारी गार्ड देखा, प्लस लेडी फुटरेस्ट भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो इसकी वजह से घर की जो आपकी महिलाएं हैं वो डेली अगर आप कम्यूट करते हैं घर की लेडीज़ के साथ, तो फिर ये बाइक परफेक्ट उसके लिए चॉइस हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपको जो है फ्यूल गेज मिल जाता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तो नहीं मिलता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसके माध्यम से उनका दावा है कि जो माइलेज है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अब तक बहुत से लोगों से मैंने बात की पल्सर 125 के ओनर से, तो उनके थ्रू एक चीज़ पता चली है, क्योंकि अगर मैं 10 लोगों से बात करूं तो 10 लोग अलग तरीके का माइलेज, 10 लोगों के 10 तरह के माइलेज आते हैं 125 में, लेकिन जैसे ही हम उनको ये एक अनुमान बताते हैं तो वो कहते हैं हाँ बस इसी के बीच में लगभग हमको देखने को माइलेज मिल जाता है। तो मैं आपको भी बता दूं कि देखिए इसमें आपको 50 तक का माइलेज स्मूथ राइड में आराम से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रफ राइड करते हैं तो यकीन मानिए कि आप 45-50 के बीच में ही लुढ़क जाएंगे, इससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लगभग इसके बारे में आपको बता दी। अब डायमेंशन की थोड़ी सी बारी है। इस बाइक की जो लेंथ है वो है 2042 mm, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm, और इसकी जो सीट हाइट है वो 755 mm है, ज़्यादा सीट हाइट नहीं है, तो जिनकी कम हाइट है उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लेने से पहले टेस्ट राइड तो बनता ही बनता है। और हाँ सुनिए, टेस्ट राइड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, आपका अधिकार है टेस्ट राइड लेने का, आप जरूर लीजिए। और इसके बाद मैं बताऊं इसका जो वेट है वो 142 यानी कि 142 किलोग्राम की ये बाइक है। फ्यूल वगैरह भरवा देंगे तो बाइक का वेट और भी बढ़ जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये काफ़ी वेटेड बाइक है, लगभग 1.5 क्विंटल तक जो है इसका वजन जा सकता है। अगर मैं फ्यूल टैंक की बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि लगभग 11.5 यानी 11.5 लीटर तक जो है आप इसमें फ्यूल भरवा सकते हैं। अब आते हैं इसके प्राइस पे, तो देखिए जो स्प्लिट मॉडल है इसकी जो एक्सोरूम प्राइस चल रही है प्रयागराज कानपुर वाराणसी यानी यूपी के किसी शहर में अगर आप हैं तो लगभग 80,200 यानी कि 80,200 के करीब इसकी एक्सोरूम प्राइस है। अब ऑन रोड प्राइस के लिए आप इसमें 15-20,000 यानी कि 15,000-20,000 रुपये आप और ऐड कर दीजिएगा, जिसमें आपको इंश्योरेंस होगा, RTO टैक्स वगैरह सारी जो है चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी, और ये प्राइस हमेशा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, इसलिए अनुमानतः मैं आपको बता दूं 98,000 से 1,02,000 यानी कि 98,000 से 1,02,000 के करीब आपको इसी के बीच में ये बजाज पल्सर 125 स्प्लिट वेरिएंट आपको कंप्लीटली देखने को मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमसे किसी तरह की कोई बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी डेविड राहुल जी आर पे हमें फॉलो करके मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।